मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा ना करें कि वही कि कुछ सामान हम दे रहे हैं गरीबों के, कहीं भी दे रहे हैं, और जो वीडियो बनाते हैं कि हाँ देखो हाँ अभी ये पोज लो वो लो, बहुत कुछ यानी कुछ मिल जाता है दान करते हुए, पोज ले रहे हैं, तो दिखावा नहीं करना है। यानी किसे दिखा रहे हो? ठीक है, हमारा मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई जाने, ठीक है। तो कोशिश करो, ऐसा नहीं कि आपको काफ़ी समय हो गया, यानी 2 साल हो गया आपका ध्यान नहीं लग रहा, 15 मिनट तो वैसे भी कोई भी व्यक्ति होगा तो शांत ऐसा चुपचाप बैठ जाएगा कोई भी। तो अभी हम तो यही कहेंगे आपके ध्यान की शुरुआत भी नहीं हुई, ठीक है। मैं अपनी भाषा में कहूँगा ध्यान की नहीं, जब 40-50 मिनट आप शांत होकर के बैठे रहें तब समझो कि अब ध्यान की शुरुआत हुई, ठीक है। तो कोशिश करें क्या, प्राणायाम की, मंत्र जाप की, ठीक है। खाना पीना आपका सही है, सात्विक है बिल्कुल, तला हुआ भुना हुआ या मार्केट का कुछ तो नहीं खाते हैं? अच्छा, चाय भी बंद है, चलो अच्छी बात है। तो जो ये मिर्च मसाले होते हैं ना, जैसे लाल मिर्च और बाद में हरी मिर्च, और ये बिल्कुल मसालेदार, उन्हें कि पनीर अच्छा नहीं बना, मतलब ये सब, और अच्छी अगर जो जल्दी साधना करते हैं तो कुछ दिन उबला हुआ खाना शुरू कर दो, उबला हुआ जैसे सब्जी है उबली हुई है, और भी अच्छी करनी है तो कुछ दिन के लिए रोटी छोड़ के उबली हुई सब्जियाँ ज़्यादा मात्रा में, सब्जी है, दूध है, दही है, चावल है, थोड़ा बहुत चावल ले ले, मतलब फलों पे ज़्यादा रहे, तो इससे शुद्धता का असर पड़ेगा। ये कोई ये पैमाना नहीं कि आपका ध्यान लग ही जाएगा, मतलब ये नहीं कि लो भाई अब हम उबली खाने लगे, लेकिन धीरे धीरे शुद्धता बढ़ती है। मार्केट का खाना और ये सब है पार्टियों में, शादी ब्याह में अशुद्धता मिलती है। जो खाना बनाता है चाहे होटल में हो जैसे यहाँ, कहीं भी मार्केट का, अपने घर का खाना शुद्ध, और बनाने वाला कैसा उसका असर पड़ेगा, ठीक है। और बनाने वाले से कह दो कि भैया थोड़ा सात्विक विचार वाला हो, भगवान का नाम लेते रहो, कुछ मत सोचो। जो बनाने वाला सोच रहा होगा खाने में जाता है, और जिसने खाया उसे प्रभावित करता है, ठीक है। ये कर्म का सिद्धांत है। तो ऐसा जब आप ऐसे जब कई नियमों का आप पालन करेंगे और कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे साधना होने लगेगी। यानी प्राणायाम, मंत्र जाप, मंत्र जाप में ओम मंत्र, सिर्फ ओम मंत्र को या और कोई मंत्र ना पकड़ें, और देर तक जाप करें, शांत हो जाएं, कमरे को बंद कर लें, थोड़ी ध्वनि निकाल के जैसा कि अभी लयबद्ध तरीके से आधा घंटा है वो एकदम से ऐसा करना शुरू कर दें, और छुट्टी वाले दिन ज़्यादा कर लें। बिना माला की या माला की? माला किसको दिखाना है, ये तो माला एक गिनती है, गिनती आपको कुछ नहीं करनी है। आप समय देख लें कि आधा घंटा, एक घंटा, जो भी समय है, 15 मिनट, जो भी आपके पास समय है वो करो। माला वाला पे ध्यान नहीं, माला उनके लिए होता है। हालांकि ये कि शुरू में कितना तो क्या होते कि हम एक माला ज़रूर कर लेंगे, वैसे शुरुआत में माला इसलिए पकड़ते ताकि ऐसा ना हो कि हमने 50 बार कहा और उठ के चल दिए। जब साधक होता चलो एक माला कर लिया, या बहुत से साधक होते कि चलो आज 5 माला करेंगे, उसके लिए है, गिनती के लिए, यानी मन को लगाने के लिए। और इसमें आप लग जाइए 15-20 मिनट, हमें करना है तो करना, हम शुरू में थोड़ा मन उबेगा या इच्छा नहीं चलेगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। और हाथ मिलाना, चिपकना, नज़दीक ज़्यादा बैठना, ज़्यादा अनावश्यक रूप से बात करना, उस पर भी कंट्रोल करें। तो मतलब जब सारा करेंगे फिर करेंगे ध्यान तो लगने लगेगा, क्योंकि शुद्धता जब बढ़ेगी, क्योंकि अशुद्धता ऐसा नहीं कि आप ही कमाते हैं, दूसरों से भी मुफ्त में भी मिलती रहती है, जैसे हाथ मिलाना, चिपकना, ये सब अशुद्धता देते हैं, या मार्केट में गए धक्के पक्के लगना होता रहता है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक मिलती रहती है। इसलिए आप ये करें मंत्र जाप से और ऐसे, ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.